बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक एक बार फिर से टल गई है। पहले यह बैठक 12 जून 2023 को होने वाली थी, लेकिन इस बीच बता दें कि 23 जून को अब स्थिति को निर्धारित किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों की होने वाली बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी विपक्षी दलों से मंजूरी मिलने के बाद 23 जून 2023 की तिथि को बैठक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। बैठक को अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं की ओर से मंजूरी दी गई है 12 जून 2023 को। बता दें कि विपक्षी दलों की बैठक को टलने के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बैठक में शामिल ना होना बताया जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि 23 जून 2023 को राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि ललन सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है इस विपक्षी बैठक को लेकर। आप लोगों को आमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उस तिथि को कई नेता, जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही थी उस तिथि को यहाँ आने में। इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है। और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी या तय हो गया है, और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। यही बताने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अब सबसे पहले रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज से जुड़ेंगे। विशाल, हमने देखा किस तरीके से तिथियों में बदलाव किए गए। पहले सबसे पहले 12 जून, उसके बाद 22 जून, और अब एक तिथि सामने आ गई है, 23 जून की तिथि को मुहर लग गई है। और जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा है कि अब विपक्षी पार्टियों में जो एकता है वो हमें देखने को मिलने वाली है, और कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल चुका है। अब देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इससे पहले जो भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी गुलबंद हो रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार मुहिम में जुटे थे कि सभी विपक्ष को एकजुट किया जाए, सबको एक मंच पर लाया जाए, और इसी रणनीति के तहत पटना में 12 जून को एक बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन देखिए, यह जो बैठक है अब 23 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, इस बैठक को जो शिफ्ट किया गया है, इसे लेकर जो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी बैठी है वह चुटकी ले रही है, कह रही है कि अभी से विपक्षी एकता में सेंधमारी हो रही है। लेकिन सुष्मिता, हमें यह भी देखना होगा कि जिस प्रकार से अपने नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, जो विपक्षी नेता हैं सभी को एकजुट करने में लगे हुए, तो देखिए, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका एक ही बात कहना था कि अभी भी विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार के पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो देखिए टीएमसी बात कर ले, खास कर पंजाब और दिल्ली में, तो देखिए दोनों में जो आपसी द्वंद है बखूबी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने जो वोट की जो सेंधमारी है
पंजाब में की और दिल्ली में की। वहीं अगर हम यूपी की बात कर ले, यूपी की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा यूपी तय करता है। लेकिन यूपी में जिस प्रकार से अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बसपा की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो वहां पर जो आपसी एकता है, आपसी संगठन जो होनी चाहिए वह नहीं दिख रही है। लेकिन देखिए, अब जो बैठक है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो बैठक बुलाया गया था, अब यह 23 जून को पटना में होगा। तो यह देखने वाली बात होगी सुष्मिता कि 23 जून को जब राहुल गांधी उस बैठक में सम्मिलित होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे उस बैठक में सम्मिलित होंगे, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल उस बैठक में शामिल होंगे, तो जो रणनीति बनेगी, किस प्रकार रणनीति बढ़ती है, सीटों के बंटवारा को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए सुष्मिता, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार सितंबर 2022 से ही विपक्ष के मिशन पर लिख लेते थे। हालांकि देखिए, नवीन पटनायक से उन्हें जिस प्रकार से उम्मीद थी वह नहीं मिली। अगर हम तेलंगाना की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले सुष्मिता, तो वहां से भी नीतीश कुमार को कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन देखिए, केवल नीतीश कुमार इस मुहिम में शामिल नहीं है कि सभी विपक्ष को एकजुट किया जाए। इससे पहले जो स्टालिन एकजुट करने के मिशन पर निकले हुए थे, देखिए, लेकिन हुआ क्या, जो एकजुटता होनी चाहिए थी, देखिए, जो 23 जून का बैठक है उसे हम कह सकते हैं होगा विपक्षियों के लिए। लेकिन देखिए, विपक्ष के जो दल है उनमें सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, चाणक्य कौन होगा विपक्षी पार्टियों के लिए, यह तय कर पाना अभी भी मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस जब से कर्नाटक चुनाव जीती है, सकारात्मक जो एक पॉजिटिविटी एनर्जी है कांग्रेस में आ गया है। देखिए, 12 जून का नीतीश कुमार नेतृत्व स्वीकार, जेडीयू के उन्होंने साफ कर दिया कि यह बैठक है अब 23 जून को होगा। तो देखिए, 23 जून का बैठक कई महीनों से अहम है, आगे की रणनीति तय की जाएगी, उसे उठाया जाएगा, और यह अपने आप में एक जो बैठक है यह संकेत देगा कि 2024 में जो भारत का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, वह किसके पाले में गिरेगा। वही देखिए, जो सत्ता पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है वह महासंपर्क अभियान में लगी है। लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और ये पूरा मसला आने वाले चुनाव को लेकर ही है विशाल। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा, कर्नाटक चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए जो समन्वय था वो हमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। इस वजह से जो मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी जो है, जो कांग्रेस के सामने हमेशा खड़ी रही है, उसने भी कई जो है इसमें रोटियां सेकने के काम की, और उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के पद के लिए जब चेहरा कांग्रेस नहीं स्वीकार कर पा रही है कि आखिरकार कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद पर कौन होंगे, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी ने उन पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सामने कितनी भी विपक्षी एकता की मुहिम चला ले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन एकजुट नहीं कर पाएंगे। और उसका उदाहरण दिया गया कर्नाटक में, हमने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव तो हो गए, जीत भी हासिल हो गई, लेकिन नाम सामने आने के लिए एक सप्ताह का समय लग गया था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सुष्मिता। देखिए, लेकिन हमें देखना होगा, आपने सही कहा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा पीएम पद के लिए, जो विपक्ष जब एकजुट बैठेगी तो चेहरा कौन निकल कर आएगा, या नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती होगा, और विपक्षी दल जो उस बैठक में सम्मिलित हो पाएंगे क्या नीतीश कुमार का चेहरा के रूप में अपने आप को स्वीकार पर कर पाएंगे, या काफी चुनौती होगा। लेकिन देखिए, राहुल गांधी भी जो कांग्रेस जो लोग यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत का अगला प्रधानमंत्री होगा या भविष्य का प्रधानमंत्री है, तो वो कैसे चुनौती है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल भी अपने जो अध्यादेश है जो दिल्ली में लाई गई थी ऑफिसर के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, वो भी भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पहले भी बता चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो जी, हमारे साथ खुद दिल्ली न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 पर। विवेक पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुंवर अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे विवेक पाठक जी और पॉलिटिकल एडिटर हैं कुंवर अभिषेक, और हम सभी मिलकर इस जिस मुद्दे पर आप चर्चा करने वाले, ये पूरा मुद्दा आने वाले चुनाव पर है और विपक्षी एकता को है। सबसे पहला मेरा सवाल एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक से होगा।
विवेक, हमने देखा पिछले चुनाव में जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम का एक नजारा हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं विपक्ष में जो एक मुहिम चलाई उसका जीता जागता उदाहरण हमें कर्नाटक के चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन इसी साल आने वाले 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, क्या लगता है ये जो विपक्षी मुहिम चलाई जा रही है आने वाले राज्यों में जो चुनाव होने इस पर कितना असर देखने को हमें मिलेगा? देखिए, अगर विपक्ष की एकता की बात की जाए तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल के आती है कि ये जो तैयारियां हो रही हैं वो किसी राज्य के चुनाव को लेकर नहीं, इसका सीधा असर 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी की जा रही है। हाँ, हो सकता है कि अगर ये तैयारी पहले हो जाती है तो हो सकता है कि जो तमाम जो राज्य में जो चुनाव अभी होने हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो यहाँ पर इस जो एकता का कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई देगा, खासतौर से राजस्थान और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसका जो पूरी जो स्थितियां जो चल रही है उसका जो एक सरोकार है वो हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि ये मिशन 2024 को लेकर है और 2024 में किस तरह से भाजपा को हर मोर्चे पर घेराबंदी करनी है, उसके लिए हर विपक्षी दल एक साथ खड़े होकर जो है भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दोनों जो सरकार कार्यकाल जो चलाए हैं, खासतौर से जो पहले का 5 साल का और इस बार का जो 4 साल जो कंप्लीट हुआ, 9 साल पूरे सरकार चलाने के बाद अब विपक्ष के बीच में अब एक जो एक उम्मीद जगी है, कई ऐसे दल है जिसमें कांग्रेस को हम ले सकते हैं, आम आदमी पार्टी को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दल प्रमुख तौर पर आप देखिए कोई और मुझे बड़ा दल कोई ऐसा नहीं दिखाई देता विपक्ष में जिसके पास कोई अच्छी ताकत अभी समझ में आती है। आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझिएगा कि आम आदमी पार्टी ने पहले तो दिल्ली में दूसरी बार एक तीसरी बार सरकार बनाई, फिर एमसीडी में लगातार जीत दर्ज की जिसमें कि बहुत उठापटक भी हुई, फिर उसके बाद पंजाब में उन्होंने जो सरकार बनाई उसके बाद जोड़ी जा सकती थी कि भाई कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और अब वो विपक्ष के तौर पर भी उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो कर्नाटक में जो जीत हुई है, राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका एक असर कर्नाटक के चुनाव के नतीजे से भी देखा जा सकता है। मेरा अगला सवाल कोर अभिषेक से होगा। अभिषेक, हमने काफी नजदीकी से कर्नाटक के चुनाव के नतीजे को देखा और आप खुद ग्राउंड जीरो पर थे, हमने देखा किस तरीके से जो जश्न का माहौल है वो कांग्रेस के बाहर हमें देखने को मिला। लेकिन अभिषेक, आपने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की थी और हमने ये जानने की कोशिश की थी आखिरकार बीजेपी में क्या कुछ ऐसी कमी रह गई जो इस बार के चुनाव में वे पीछे रह गए हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के लिहाज से अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो लोकल लीडरशिप बीजेपी के पास थी वो कहीं ना कहीं नदारद रही। और जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस निश्चित तौर पर कर्नाटक की जीत के बाद 7वें आसमान पर है और जो यूपी की छतरी है उसको उसके नीचे ही वो विपक्षी पार्टियों को और क्षेत्रीय पार्टियों को खासतौर से वो लाना चाहती है। लेकिन एक बात से मुझे मैं तारुफ नहीं रखता, मैं थोड़ा डिफर करता हूं कि ये जो विपक्षी एकता की जो बात हो रही है भारतीय राजनीति के अंदर और खासतौर से आजकल बड़ी तेजी से सुनने को मिल रही है, ये मुझे बीरबल की खिचड़ी की तरह लगती है जो बहुत ऊपर है हांडी और आज बहुत दूर है। ये पकेगी कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सुष्मिता, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि कांग्रेस भले ही कर्नाटक में जीती हो, दक्षिण में वाकई कांग्रेस जीती हो, लेकिन अगर आप हिंदी बेल्ट में आ जाए, इसको कव बेल्ट भी कहा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश आप चले आइए, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कांग्रेस की हालत नहीं है, एक लोकसभा की सीट है, राहुल गांधी स्वयं की सीट हार गए हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का वो साथ चाहते हैं और यूपीए की छतरी के नीचे आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल मायावती जो कहीं ना कहीं इस मोर्चे में मुझे नदारत नजर आ रही है, वो अपनी जमीन पर कांग्रेस को फसल क्यों आने देंगे। देखिए कांग्रेस जीरो की स्थिति में है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी जिसकी अगुवाई करते हैं, मायावती एक बड़ा फैक्टर है, हालांकि पिछले कुछ चुनाव में काफी कुछ नहीं कर पाई है, तो ऐसे में कांग्रेस को कितनी सीट, क्योंकि नंबर गेम है। देखिए ये जो लोकतंत्र है, जब सरकार बनाने जाएंगे तो आपको बहुमत के जादू या आंकड़े को पार करना होगा और बहुमत के जादू या आंकड़े को पार करने के लिए आपको सांसद चाहिए और सांसदों के लिए आपको सीटों पर लड़ना होगा।
जब लड़ना होगा तो कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी जो कर्नाटक की जीत के बाद सातवें आसमान पर है, राहुल गांधी विदेशी दौरे पर है और कर्नाटक की जीत का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कितना उनको सीटों का शेयर दिया जाएगा। लड़ाई आखिरकार उसी पे आएगी। अखिलेश क्यों अपनी स्थिति को कमजोर उत्तर प्रदेश में करेंगे? अभिषेक, मेरा मानना यह है कि ताजपोशी उसी की होगी जो जनता से जुड़ाव कर पाएंगे। कभी भी सत्ता पलट सकती है अगर जनता से जुड़ाव ठीक से नहीं होगा। ये सवाल मेरा आप तीनों से होगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और अब केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक एक कार्यक्रम 1 महीने का चलाया जा रहा है, तो क्या बीजेपी ये समझ गई है कि अब जनता से जुड़ने की जरूरत है? सबसे पहले विशाल आपसे जानना चाहूंगी, दो दो शब्द मैं तीनों से पूछना चाहूंगी। सबसे पहले विशाल आप बताइए। बिल्कुल देखिए सुष्मिता, सवाल ये है कि 2024 चुनाव कमर कर चुकी है एक और भारतीय जनता पार्टी है कि केंद्र के 9 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, जो नीति थी, जो उपलब्धियां थी, उसे जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो अभियान चलाया गया था जिसका बखूबी कर्नाटक चुनाव में फायदा मिला। लेकिन सुष्मिता, लाइव सेवन के दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम कर्नाटक की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले या राजस्थान की बात कर ले, यहाँ की जनता 5-5 साल सभी पार्टियों को मौका देते आई है। भारतीय जनता पार्टी को एक टर्म तो कांग्रेस को एक टर्म, तो कर्नाटक चुनाव को 2024 से चुनाव कर जोड़ कर देखा जाना ये थोड़ा तर्कसंगत मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखिए 2024 चुनाव को लेकर वाकई में जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा, भारतीय जनता पार्टी एक एक योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है और गिनाने का काम कर रही है, पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा के पास एक चेहरा है। लेकिन देखिए अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे कहा जा सके कि ये फ्यूचर के पीएम है। चेहरे यहाँ पर अनेक है, तो इस उम्मीदवार के लिए दावेदार हो सकते हैं। अगला सवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक जी से। विवेक जी, आपका क्या कुछ राय है इस पूरे सवाल पर? देखिए मुझे लगता है कि जो स्थितियां हैं वाकई में ये बात जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं कुमार अभिषेक, उन्होंने कहा कि भाई एक खिचड़ी की तरह है स्थितियां दिखती हैं, और जिस तरह से विशाल भी जो बात बोल रहे हैं उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक मत राय होना जरूरी है। जब आप 4-5 लोग मिलकर एक साथ बैठते हैं तो चर्चा करना अलग बात होती है, लेकिन एक मत राय होना ये बात अलग है। क्योंकि आप अभी इस बैठक से पहले ही आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी ने अपना एक सुर जो है आलाप दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हमें अगर 5 सीट से कम दी गई तो हम अलग हो जाएंगे। यानी कि अभी जो बगावत, अभी तो बैठक हुई नहीं है लेकिन बगावत के जो सुर हैं वो विपक्ष में पहले ही जो शुरुआत हो चुकी है। तो तमाम जो अलग अलग जो समीकरण है, चाहे वो जातियों का समीकरण हो, चाहे वो सीटों का जो बंटवारा हो, वो तमाम ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो विपक्ष के सामने खड़ी रहेंगी। और अगर ये इन सब से जूझते रहेंगे तो मुझे लगता है कि 2024 में चाहे कितनी भी विपक्षी एकता की बात कर ली जाए, 2024 में कोई भी रास्ता जो है जो आसान दिखाई नहीं देता। जी कुंवर अभिषेक, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमने देखा है कि जनता से जुड़ाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आने वाले चुनाव में, आपके क्या कुछ राय होंगे इस सवाल पर? जो बात अभी विवेक कर रहे थे और विशाल भी कह रहे थे कि कर्नाटक की जीत को लोकसभा के चुनाव से नहीं देखना चाहिए, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि राजस्थान जीतने के बाद भी क्लीन स्वीप करती है भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव आता है। बिल्कुल, तो ये हिमाचल में भी यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ। क्योंकि ये बात सच है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 9 सालों के कार्यकाल को लेकर जाएगी, वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो दल आएंगे, अभी नहीं आए हैं, जितने रामजी ने जैसे अभी विवेक बता रहे थे कि बगावत के सुर फूटे हैं, वो 9 सवाल लेकर जनता के पास जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत रोचक होने वाला है, और ये अहम बात है कि विपक्ष को इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा। और मैं अपनी बात इस बात को कहकर समाप्त करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक विशाल चेहरा है, विपक्ष को उनके समकक्ष एक ऐसा चेहरा लाना होगा जिस पर जनता विश्वास करे।
चलिए कौर अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जुड़े थे एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कौर अभिषेक जुड़े थे, और हमारे साथ रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक हेल्दी डिस्कशन हमने किया है, जो तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से चलाई गई है, और अब इसके तिथि पर मुहर लग चुकी है। बड़ी खबर है, आपको बता दें आगामी चुनाव को लेकर बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी दलों के बैठक में एक बार फिर से जो तिथि है वो निर्धारित कर ली गई है। और पहले यह बैठक 12 जून को तिथि जो है वो निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 23 जून को किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों की होने वाली बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है।